वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रीति एंड आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। एंड ये है शुरंग जो कभी कभार आते हैं व्लॉग में। सो गाइज, आज काफ़ी चीज़ें हैं काम करने के लिए ऑन टू डू लिस्ट। तो आज आप भी चलो हमारे साथ एंड लेट्स शूट दिस व्लॉग। तो पहले मैं जा रही हूँ, मेरा टेस्ट है, आयरन का टेस्ट, बेसिकली टू चेक कि मेरा आयरन लेवल सही है कि नहीं। तो डॉक्टर ने थर्ड ट्राइमेस्टर में लास्ट टेस्ट ये दिया है कि जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ फाइन, क्योंकि पिछली बार थोड़ा कम था। तो अभी मैं वो टेस्ट कराने जा रही हूँ यहाँ पे लैब पे। तो यहाँ पे डॉक्टर रिक्विजिशन दे देती है, बेसिकली आपको पर्चा कि जिसको आप दिखा के लैब में टेस्ट दे सकते हो। अब देखते हैं वहाँ भीड़ है कि नहीं, अगर भीड़ है तो फिर मैं कल कराऊंगी, अगर भीड़ नहीं है तो मैं अभी टेस्ट करा दूँगी। नहीं तो कई बार ना वेटिंग होती है आधा पौने घंटे की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग। एंड इसके बाद थोड़ा और काम है, हम जा रहे हैं ब्रैम्पटन, थोड़ा फर्नीचर वगैरह देखना है घर का। इट्स अ वीकडे तो मैंने थोड़ा ऑफिस से ऑफ ले लिया थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि कभी डे केयर है एंड वी कैन ईजिली मैनेज कि फटाफट सारे काम कर सकते हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लैब तो घर के पास ही है, अराउंड 2 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर का रिक्विजिशन पे आप कहीं पे भी किसी भी लैब में जाके करा सकते हो, अगर आपने स्पेसिफिक रिक्विजिशन नहीं बनाया। तो मैं तो इसी में करा लेती हूँ। ये है यहाँ पे एर्बोरेटम के अंदर, तो बहुत अच्छा है ये एरिया जहाँ पे। एंड यहाँ पे एक्चुअली चेरी ब्लॉसम्स भी आए हुए, पूरे गल्फ में सिर्फ यहीं चेरी ब्लॉसम्स दिख रहे हैं। बट हमारे पास टाइम नहीं होगा कि आज के व्लॉग में दिखा सके, क्योंकि वो अंदर इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, वहाँ पे होता है। तो शुरांग ने मुझे ड्रॉप कर दिया, ही पार्क द कार, तब तक मैं टेस्ट देखती हूँ कि आज हो पाएगा कि नहीं। सो गाइस, ब्लड टेस्ट मैंने करा लिया है, ये रहा, आधे घंटे की वेटिंग थी बट हो गया। चलते हैं टू आर फर्नीचर शॉप। कितना टाइम लगा, आधा घंटा? समर्स आर स्टिल नॉट हियर बट फिर भी अच्छा मौसम है, बीच बीच में थोड़ी ठंडी हो जाती है, दिन में धूप निकलती है तो अच्छा रहता है मौसम। चलो चले हम। तो मैं अपना छोले चावल थोड़े से लेकर आई थी, मुझे आजकल भूख लगाती है जल्दी, मुझे लग ही गई एक घंटे का रास्ता था, 50 मिनट्स, और मैं थोड़ी नैप भी ले ली और भूख भी लग गई। पहुँचने वाले अब हम। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अभी देख के आते हैं फर्नीचर को समझ में आता है कि नहीं। एक्चुअली हमें लेना है डाइनिंग टेबल और एक सोफ़ा। तो यहाँ पर शशांक को भी भूख लग गई, तो ही इज़ ऑल्सो ईटिंग छोले चावल। आई होप कुछ समझ में आ जाए। बेड वेड तो हमने ले लिया है, बट डाइनिंग टेबल एंड सोफ़ा इज़ मैंडेटरी, क्योंकि माय पेरेंट्स आर आल्सो कमिंग, तो जगह तो चाहिए। गाड़ी से उतरने में भी आजकल इतनी दिक्कत होती है ना। तो गाइस, हम फर्नीचर देखिए आ चुके हैं, कुछ कुछ चीज़ें पसंद आई, कुछ कुछ चीज़ें नहीं पसंद आई। जैसे डाइनिंग टेबल हमें अच्छी लग गई, वो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड। सोफ़ा अच्छा है बट उसका कलर देखना है सेंटर टेबल का है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कॉफ़ी टेबल कांच की हो, बट वुडन में ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं यहाँ पे, तो देखते हैं। तो आना विजिट वेस्ट नहीं गई, कुछ तो समझ में आ गया। अगर डिसाइड कर लिया तो नेक्स्ट वीक तक फर्नीचर आ जाएगा। सो गाइस, हम वापस आ गए, बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो हमने बना ली है भेलपूरी, हल्दीराम वाली भेलपूरी, जिंदाबाद, फटाफट बन जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता, एमरजेंसी में बहुत हेल्प करती है। और साथ में चाय, और मैंने थोड़ा ऑफिस का काम कर रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा काम मेरा पेंडिंग है वो कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद कबीर के आने का टाइम हो जाएगा तो कबीर का खाना बनाना है, क्योंकि सुबह मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं पाई थी। हम सोच रहा पैक करा के ले आएंगे ब्रैम्पटन से कुछ, क्योंकि शाम की मीटिंग आ गई, पैक नहीं करा पाया। चीनी कम डाली है ना, गर्मी फिर से आ गई है। अभी लास्ट वीक थोड़ा ठंड हो गई थी, उससे पहले हफ्ते गर्मी थी, धूप निकली हुई थी, तो आज फिर गर्मी है, 22-23 डिग्री। मैं जैकेट पहन के गई थी बट मैंने जैकेट उतार दी। यह मौसम ऐसे है, कुछ पता नहीं चलता, अप्रैल का मौसम बहुत अनप्रडिक्टेबल है। और मौसम अच्छा है बट कोल्ड वोल्ड पकड़ने के लिए बहुत फास्ट है। तो गाइज, ऑफिस ख़त्म करके हमें बैठ गई हूँ, और कबीर के आने का टाइम हो गया है,
तो जब कबीर को शिरांग लेने जाते हैं ना, तो मेरे को 15-20 मिनट का ब्रेक मिल जाता है, क्योंकि मैं उसका खाना पहले ही बना लेती हूँ बिफोर रिलीज। तो वो 10-15 मिनट में थोड़ा लेट जाती हूँ, क्योंकि मेरे को वो आराम चाहिए होते हैं ब्रीदर, क्योंकि जब वो आता है तो 3 घंटे भाई उसके साथ, ही डजेंट वॉन्ट मी टू गो एनी वेयर। उसको लगता है कि बस मम्मा मेरे पास बैठी रहे और मेरे साथ खेले, मैं अगर खेल रहा हूँ तो मम्मा मेरे साइड में ही बैठी रहे, तो इसलिए मैं रिलैक्स कर लेती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, बस आ जाएगा 10 मिनट में। गाइस, आप लोग पूछ रहे थे कि घर से कौन आ रहा है, तो घर से आ रहे मेरे पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ डिलीवरी टाइम इज ऑलमोस्ट हियर, बस कुछ हफ्ते ही बचे हैं। तो उनका वीज़ा हमने स्टार्ट कर दिया था जनवरी में, जब हम इंडिया गए थे शादी के लिए, तो उसी टाइम पे हमने वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। और थैंकफुली द वीज़ा की लाइन बहुत कम थी, एज इन बहुत जल्दी टर्न अराउंड टाइम था और बहुत जल्दी वीज़ा आ रहे थे, तो मम्मी पापा का वीज़ा आराम से 3-4 हफ्ते में आ गया था, स्टैंपिंग वैम्पिंग लेके पासपोर्ट घर आके 4 हफ्ते मैक्स टू मैक्स। तो अब ये टिकट्स विकेट्स बुकड है, उनकी उनकी भी तैयारियाँ चल रही है, पैकिंग वैकिंग चल रही है, अपना सामान तो कम, वो मेरा सामान ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। तो यही है, तो घर से वो लोग आएंगे, इसलिए अब इट्स हाई टाइम कि हमें फर्नीचर वर्नीचर सब सेट करना था घर वर, तो आजकल हम उसी में लगे हुए हैं कि सब घर वर सेट कर लो, कुछ मिसिंग है तो वो भी कर ले, एक दो चीज़ें रह जाएंगी बट वो आते आते हो जाएगा, बट मोटा मोटा सामान तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट डन। तो आज का शॉपिंग का तो ये है कि वी आर स्टिल डिबेटिंग, बट मोस्टली हमने सोफ़ा फाइनलाइज कर लिया है। शशांक को ब्लैक चाहिए था, आई डिड नॉट वांट अ ब्लैक सोफ़ा, तो मेरे को ब्लू कलर इज़ फाइन, आई एम फाइन विद दैट। तो अभी थोड़ा मैं थोड़ा माइंड में और सेटल करी हुई क्या क्या करना है, क्योंकि कॉफ़ी टेबल मुझे वहाँ पसंद नहीं आई, डाइनिंग टेबल इज़ गुड, तो डाइनिंग टेबल से कुछ अलाइंड कॉफ़ी टेबल मिले, कांच की कॉफ़ी टेबल में लेना नहीं चाहती बिकॉज कबीर एंड देन अदर बेबी एंड देन बच्चे आएंगे बहुत सारे, तो फिर क्योंकि खेलेंगे तो कब कांच की टेबल टूट जाए, डोंट वांट टू टेक रिस्क, तो इसलिए कांच की टेबल लेने का बिल्कुल इट्स लाइक अ नो नो। तो आपको दिखेगा फ्यूचर व्लॉग्स में कैसा आता है सामान, यानी मेरे घर सेटअप हो जाएगा, तो आई विल गिव अ टूर ऑफ आर हाउस एज वेल कि वो सेट कैसा हुआ है, बट फिलहाल वो बात की बात है, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करके कबीर आएगा, आपको भी उससे मिलवाते हैं, आज के ब्लॉग में तो कबीर की एंट्री ही नहीं हुई है, तो खिलाऊंगी, खिलेगा और ये सब करते करते ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, फिर सो जाएगा, और जब वो सो जाता है फिर उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ, लाइक आई वर्क ऑन माई सोशल मीडिया, दैट्स द टाइम व्हेन आई डू। तो चलो थोड़ा मैं 10 मिनट लेट जाऊँ। Papa doing. Mama doesn't know what Papa is doing. Tell me, do Nini. Bolo. Hi everyone. Good night. Bolo good night. Ama Nini kare ja. Good night. Acha bye kar do bye. Bye. Bye.
कबीर को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी। फिर उठने के बाद मैंने खाया, थोड़ा डिनर विनर किया एंड थोड़ा सा काम वाम किया। एक ऑफिस की मीटिंग भी थी मेरी आज 10 बजे, तो मैं व्लॉग एंड करना ही भूल गई क्योंकि एकदम उठी मैं, फिर भूख लग रही थी, खाया, फिर जल्दी जल्दी ऑफिस की मीटिंग ज्वाइन करनी थी, आधा घंटे में वो थी। तो अब मुझे याद आ रही, मैंने तो व्लॉग ही नहीं एंड करा एंड काम करते करते इतना टाइम निकल गया था और अब बज रहा है 1:50 रात के। तो मैंने सोचा सोने से पहले व्लॉग एंड कर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बिकॉज एंड करना ज़रूरी इसलिए होता है कि आप पूरा व्लॉग एंड तक देखते हो। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि मैं आपको फॉर्मली बाय बोलूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड या लाइक द वीडियो इफ़ यू इंजॉयड वॉचिंग इट एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।